नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कंपनी के 1,36,00,000 रुपए लेकर भागे कर्मचारी के 6 रिश्तेदार पकड़े, भूसे और डिब्बों में छिपाया पैसा। कैश कलेक्शन कंपनी ब्रिक्स इंडिया का कर्मचारी विवेक 1,36,00,000 रुपए लेकर फरार होने की साजिश में अकेला शामिल नहीं था। वह 85,00,000 रुपए अपने ममेरे भाई अमित को दे गया था। ममेरे भाई ने यह रकम 6 रिश्तेदारों के यहाँ छिपा दी थी। पुलिस ने ममेरे भाई और मामा समेत 6 रिश्तेदारों को शनिवार को बिजली घर से गिरफ्तार कर लिया है। उनसे 85,00,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। बाकी 52,00,000 रुपए लेकर फरार विवेक की तलाश में दबिश जारी है। सदर के सुल्तानपुर निवासी विवेक कुमार कैश कलेक्शन कंपनी इंडिया ब्रिक्स में कर्मचारी था। वह 27 दिसंबर को दोपहर में 1,36,00,000 रुपए बोरे में भरकर बाइक से फरार हो गया था। रकम रकाबगंज की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में जमा होनी थी। विवेक की बाइक लावारिस हालत में कोर्ट रेलवे स्टेशन के पास मिली थी। पुलिस को बिजली घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर विवेक के साथ उसका ममेरा भाई अमित दिखा था। ममेरा भाई अपने दोस्तों राज कपूर और महेश के साथ उससे मिला था। पुलिस उपायुक्त नगर जोन विकास कुमार ने बताया कि विवेक फरार होने से पहले अमित के पास 85,00,000 रुपए रखवा गया था। पुलिस एसओजी और सर्विलांस की मदद से घटना का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस विवेक के ममेरे भाई अमित, मामा, लाखन समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे 85,00,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।